नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं मनोज ज्ञान चैनल। और एक बार फिर हमारे मनोज ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर आप अपने यूएन नंबर का पासवर्ड भूल चुके हैं और आपकी डिटेल मिसमैच दिखा रहा है या आपका फ़ोन नंबर भी खो चुका है तो फिर आप अपना पासवर्ड फॉरगेट कैसे करेंगे, या आपको फॉरगेट पासवर्ड करना चाहते हैं, आपको प्रोसेस नहीं पता फॉरगेट पासवर्ड कैसे करते हैं वो पता चलेगा। और आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा कि आपकी डिटेल मिसमैच है या आपका फ़ोन नंबर खो चुका है या आपका फ़ोन नंबर नहीं है आपके पास में, तो आपको क्या करना होगा जिससे आप पासवर्ड बना सकेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं पूरी प्रक्रिया। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियो मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर तो दोस्तों, अपना अगर फ़ोन यूज कर रहे हैं तो अपने फ़ोन या लैपटॉप डेस्कटॉप में अपना सर्च इंजन टाइप करेंगे, यहाँ नॉर्मल टाइप करेंगे यूएन लॉगिन, और यूएन लॉगिन टाइप करने के बाद इसको सर्च करेंगे। अगर आप फ़ोन यूज कर रहे हैं तो अपने फ़ोन के थ्री डॉट्स पर क्लिक करके अपने फ़ोन को यहाँ पर डेस्कटॉप मोड में इनेबल कर लेंगे, जिससे आपका फ़ोन एक डेस्कटॉप मोड में एक्टिव हो जाएगा। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आएगा यूएन एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, फ्रेंड इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड, इसको अपने चीज स्क्रॉल डाउन करना होगा, आपके सामने एक ऑप्शन आता है फॉरगेट पासवर्ड। अगर आप पहले से प्रक्रिया जानते हैं तो आपको पता होगा ये ऑप्शन कहाँ आता है, और जिन फ्रेंड्स को अगर नहीं पता ये प्रोसेस कहाँ से होती है तो उन फ्रेंड्स के लिए मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि आपको फॉरगेट पासवर्ड कैसे करना होगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा फॉरगेट पासवर्ड। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूछेगा आपका यूएन नंबर, आपको अपना यूएन नंबर टाइप करना होगा। आपके सामने जो कैप्चा शो हो रहा है इस कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे, इसके बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको वेट करना होगा, आपको ये सारी प्रोसेस पता है, आप फॉरगेट पासवर्ड कर चुके हैं, तो कोई बात नहीं, मैं इसी वीडियो में आपको उन फ्रेंड्स को भी बता दूंगा कि आप फॉरगेट पासवर्ड कैसे करेंगे अगर उनको प्रोसेस नहीं पता। मगर आपको अगर प्रोसेस पता है बट आपका फ़ोन नंबर डिटेल्स मिसमैच दिखा रहा है या आपकी डिटेल मिसमैच दिखा रहा है, इसी वीडियो के बीच बीच में आपको बता दूंगा कि फ़ोन नंबर भी खो चुका है तो आपको क्या प्रोसेस करनी होगी। अगर आपकी डिटेल मिसमैच है तो आपको क्या प्रोसेस करनी होगी जिसके द्वारा आपकी पासवर्ड बना सके, तो इसी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको भाई स्किप करने की बहुत जल्दी रहती है। बस 5 मिनट की वीडियो में आपको 10 मिनट का भी काम जल्दी से मिल जाए। भाई अगर आपको जानकारी अच्छी चाहिए तो आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा। तो फ्रेंड्स, आपने डिटेल फिल कर दी है, अब यह बात आती है कि अगर जिन फ्रेंड्स की डिटेल मैच नहीं करती है तो उनके पास ये ऑप्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं, आपको बता देगा डिटेल्स मिसमैच। तो फ्रेंड्स, आपने डिटेल को मिसमैच का मतलब ये हुआ कि आप जो डिटेल डाल रहे हैं, मतलब अपने डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं या अपना नाम डाल रहे हैं, मतलब डिटेल आपकी दो ही तरीके से मिसमैच होगी, या तो आपके नाम में कहीं ना कहीं मिस्टेक है या आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। मिस्टेक का मतलब यह है कि जैसे आपने किसी कंपनी में ज्वाइनिंग की तो ज्वाइनिंग के टाइम पर आपने डेट ऑफ बर्थ दी, अपने आधार कार्ड दिया, और जो कंपनी का एचआर या कॉन्ट्रैक्टर है उसने आपके नाम में कहीं ना कहीं एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या कुछ ना कुछ छोड़ दिया। यहाँ से फ्रेंड्स, मेरा फुल नेम मनोज कुमार सक्सेना है, मेरे कंपनी के एम्प्लॉई हैं जो एचआर हैं उन्होंने अगर मनोज कुमार डाल दिया है, मनोज कुमार सक्सेना डाल दिया, तो मेरे बीच का जो गैप छोड़ दिया, नाम में कोई मिसमैच कर दिया, तो फ्रेंड जैसे मैं डिटेल अपनी डालूंगा तो मेरी मिसमैच करेगा, या डेट ऑफ बर्थ मेरी जो भी है और मेरे एचआर ने कोई दूसरी डिटेल्स डाल दी है, यहीं भी आपको होगी जो डिटेल मिसमैच करेगी। अब आपको करना क्या होगा, अपने कंपनी के या कॉन्ट्रैक्टर के एचआर से कॉन्टैक्ट करना होगा, उनको अपना यूएन नंबर देंगे, कहना सर मेरी डिटेल मिसमैच हो रही है, मैं फॉरगेट पासवर्ड करना चाह रहा हूँ, तो मुझको जो मेरी नाम और डेट ऑफ बर्थ इन दोनों चीज़ों को मुझे लिख के दे दीजिए स्लिप पे स्पेलिंग सहित, जिससे मेरी डिटेल की मैचिंग हो जाए। तो ये तो रही पहली कंडीशन कि आपकी डिटेल मिसमैच हो रही है तो। मगर फ्रेंड्स, इसमें एक दूसरी कंडीशन ये भी हो जाती है, मान लो अपने कंपनी के एचआर ने जो डिटेल दी है वो मिसमैच है, गलत है, मतलब मेरा नाम मनोज कुमार है, मनोज सक्सेना डाल दिया, अब कुमार बीच का गायब है, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको यहाँ से करेक्शन नहीं होगा, अब आपको क्या करना होगा, अपना एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, इसमें अपना नाम या डेट ऑफ बर्थ जो भी गलत है उसको फिल करना होगा। उसको फिल करने के बाद कंपनी के एचआर से वेरीफाई करवा के उसको अपने पीएफ ऑफिस में जमा करना होगा, जिससे आपकी जो भी सही डिटेल्स होगी उसको आपका नाम है या डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप जो अपना लॉगिन करेंगे तब आपका फॉरगेट पासवर्ड एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये हुई बात जिनकी डिटेल्स मिसमैच दिखा रही है। अब दूसरी कंडीशन आती है जिन फ्रेंड्स का अपना फ़ोन नंबर खो चुका है। पहले फ्रेंड्स क्या था मैं बता देता हूँ, थोड़ा सी वीडियो लंबी हो जाएगी मगर जानकारी तभी अच्छी होती है जब आपको फुल डिटेल्स में जानेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले क्या होता था फ्रेंड्स, जैसे अपना फॉरगेट पासवर्ड करते थे आपका ओटीपी उस नंबर पर जाता था जिस पर आपने पहले एक्टिवेट किया था अपना यूएन नंबर, आपका ओटीपी जाता था, ओटीपी डालने के बाद फॉरगेट पासवर्ड को इंटर कर लेते थे। या आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है तो आप एक ऑप्शन आता था आपके पास फ़ोन नंबर है यस या नो, आपने नो चूज़ कर लिया, उसमें आपको दूसरा नया फ़ोन नंबर मांगेगा, उसमें कोई भी एक रैंडमली फ़ोन नंबर डाल देते और फॉरगेट पासवर्ड हो गया। बट अब ये नियम चेंज हो चुका है, अब आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं डालना होगा जो आपके पास एक्टिवेट टाइम पे था। फ्रेंड, अब आपको क्या करना होगा, आपके आधार कार्ड से जो भी फ़ोन नंबर लिंक होगा उस नंबर पर वो ओटीपी जाएगा। हाँ, आप देख भी सकते हैं कि आपके सामने शो हो रहा है कि इंटर कैप्चा, आपको कैप्चा इंटर करना होगा, आपको आधार नंबर इंटर करना होगा। जैसे आप इसको कमांड देख नीचे सबमिट करेंगे तो आपका एक ओटीपी उस नंबर पर जाएगा जिस पर आपका आधार नंबर लिंक है। अब फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम आती है, अगर आपके
आधार पर कोई भी फोन नंबर लिंक नहीं है तो आपको क्या करना होगा। अब आपको पहले कंडीशन ये होगी कि अपने आधार से कोई भी एक फ़ोन नंबर लिंक करवाना होगा। अगर आपका फ़ोन नंबर आधार से लिंक करवाना है, अब वो कहाँ लिंक करवाना होगा आपको, अब इसकी दो प्रोसेस हो चुकी है। या तो आप किसी भी आधार सेंटर जाकर अपना फ़ोन नंबर लिंक करवा सकते हैं, ना पोस्ट ऑफिस जाकर भी अपना आधार कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक करा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको इसी चैनल पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पीएफ, सारी की वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपकी सारी प्रॉब्लम होगी वो आपको एक ही चैनल पर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपके आधार कार्ड से कोई भी फ़ोन नंबर लिंक हो जाएगा, जो मैंने प्रोसेस बताई कहाँ से आपका लिंक होगा, उसके लिए आपको इंटर कैप्चर करना होगा, आधार नंबर डालना होगा, यहाँ पर आपको कमांड देनी होगी, उसके बाद आपको वेरीफाई करना होगा। फ्रेंड्स, आपने आधार जो इंटर किया, आपका आधार जो मैच कर देगा डिटेल वैलिडेटेड, मतलब आपकी वैलिडेट आधार हो गया, मतलब जो आपके पीएफ से आधार कार्ड लगा हुआ है उसे आपने वेरीफाई कर लिया। अभी क्वेश्चन आता है, आपके पीएफ से कोई भी आधार नंबर लिंक नहीं है तो फिर कैसे आप लिंक करेंगे? तो अब इसकी केवाईसी आप घर बैठे नहीं कर सकते, अब आपकी केवाईसी आपका एचआर ही करेगा। अगर आपको डिटेल में जानना है कि आप आधार की केवाईसी कैसे करेंगे, तो आपको एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे अपने आधार कार्ड को लिंक करना है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपसे पूछेगा इंटर मोबाइल नंबर। अब आपको यहाँ पे वो नंबर डालना होगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको अब ओटीपी उस नंबर पर जाएगा जो आपके आधार कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक होगा। अगर आपका फ़ोन नंबर खो चुका है, डजंट मैटर, आप अपने आधार कार्ड से दूसरा फ़ोन नंबर लिंक करवाइए और आपका यहाँ से फ़ोन नंबर में ओटीपी आके आपका पासवर्ड रिक्रिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना होगा, यहाँ पर कमांड देनी होगी, उसके बाद गेट ओटीपी। अब आपके आधार नंबर पर जो फ़ोन नंबर लगा होगा उस पर ओटीपी जाएगा। यहाँ पे आपको पहले कैप्चा फिल करना होगा, यहाँ पे इंटर ओटीपी करना होगा। इंटर ओटीपी के बाद आपको वेरीफाई इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप अपना ओटीपी फिल कर देंगे, आपके नया सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, आपको पासवर्ड डालने के लिए और पासवर्ड कंफर्म करने के लिए ऑप्शन होगा, उसको वेरीफाई कर देंगे, आपका पासवर्ड बन जाएगा। मैं आपको प्रोसेस क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पासवर्ड ऑलरेडी बन चुका है, मैं अभी फिलहाल पासवर्ड चेंज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बताई थी। ठीक है दोस्तों, ये थी जानकारी जिसके द्वारा अपना फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। आपको पता चल गया होगा, अगर आपकी डिटेल मिसमैच होनी है तो आपको कंपनी के एचआर से बात करनी है, और कंपनी के एचआर में भी डिटेल मिसमैच है, आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के इसको करेक्शन करवाना है पहले। दूसरा, आपका अगर फ़ोन नंबर खो चुका है तो आपको पहले आधार कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक करवाना होगा, उसके बाद ये प्रोसेस करनी होगी, पासवर्ड बन जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको फिर भी कोई डाउट रहो तो हमें कमेंट सेक्शन जरूर बता दीजिएगा। और दोस्तों, वेट, अगर आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए भाई, ऐसे नहीं जाइए यार, अच्छी जानकारी मिली है आपके लिए मैंने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आर पर प्रेस कर लीजिए, आपको आगे भी इस प्रकार की वीडियो मिल चुकी है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक पर, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।